हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री सेट टू मॉडल पेपर 2021 का करने जा रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 और साथ ए फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम पूरा सॉल्व करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल फॉफ ए मोनो एटमिक सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो फेस सेंटर क्यूबिक में एटम पूछ रहे हैं कितने होंगे। तो मानो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, तो एक यहाँ पे एटम कॉर्नर पे और फेस पे आपका 6 फेस होता है, तो हाफ इंटू सिक्स प्लस कॉर्नर 1/8 × 8 कॉर्नर होता है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक में कितने आइटम्स है टोटल, तो 3 + 1 क्या हो गया 4। तो कितने आइटम्स है, 4 आइटम्स है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है किसका है, मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। गेन इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एनी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको समझा देते हैं। जैसे कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, कॉपर। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, और इसका क्या है, 0, रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा है, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ आयन टू कॉपर। तो यहाँ से देखिए कॉपर 2+ से रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जा रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है, कॉपर बन रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1965000 कूलम, इतना चार्ज है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 × 9650 कूलम, तो यहाँ से क्या जाएगा, 1930 कूलम आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैविंग रेट लो एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन दोनों का देखेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1+1 पावर कितना है, 2 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जनरल फार्मूला यूनिट निकालने के लिए मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर में एन माइनस 1, एल का पावर 1 और सेकेंड पर सेकेंड रहेगा, बस ये फार्मूला। तो 0 ऑर्डर पूछा है, तो एन यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, एन 0 - 1 तो -1 पर सेकेंड, क्या आ गया, ऑप्शन बी। इस फार्मूला से आप कोई भी ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हैं, 0 का 1 का 2 का, तो किसका यूनिट क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी सेफ ऑफ जेनन फ्लोराइड, ठीक है, जेनन टेट्रा फ्लोराइड। तो जेनन टेट्रा फ्लोराइड में जेनन में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरिन 4 ऐसे हो गया, ठीक है, और लोन पेयर इसके पास 2 है, तो लोन पेयर 2, तो इसका जो होगा क्या होगा, सेप जो होगा ये XCF4 का एक कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो लोन पेयर कहाँ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऐसे सेप है, और इस सेप को क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वाटर सोलूबल। विच ऑफ द फ्लोइंग, कौन विटामिन वाटर सोलूबल है, तो विटामिन सी आपका जो है वो वाटर सोलूबल है,
ठीक है, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जब NaOH 623 डिग्री केल्विन और 300 ATM प्लस H प्लस के साथ सेकेंड प्रोसेस कर दे तो क्या बनेगा? तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा आपका? फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऐसे आपका बन जाएगा फिनोल, ठीक है। क्या बनेगा? फिनोल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोवेस्ट डैपल मोमेंट। तो लोवेस्ट डैपल मोमेंट, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास जीरो होता है क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है और टेट्राहेड्रल, ए इसका जाएगा ए प्लस डेल और ए माइनस डेल, इसी तरह ए प्लस ए माइनस, इसका क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, क्या हुआ? कट गया, दोनों में आपस कट गया, क्या हो जाएगा? इन लोग का बाकी करके देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने कारण और सेम है, ठीक है, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का डैपल मोमेंट होता है जीरो। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा करके देखिएगा तो कुछ अलग आएगा, निकालने तो आता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड इज नोन एज लुकस रिएजेंट। इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का रहा तो उसको हम बोलते हैं लुकस रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो आप जानते हैं कि जितना सरफेस एरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम हो वो जितने ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो इसमें लीस्ट सोल्यूबल पूछा है तो इसमें लीस्ट सोल्यूबल क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? इसका देखिए फिर इस पर 4 कार्बन का चेन है, इसका 3 कार्बन का चेन है, सबसे लंबा चेन किसका? इसका, इसीलिए लीस्ट सोल्यूबल होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी अल्कोहल। इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन है? जो एक कार्बन से अटैच है, देखिए इसमें एक कार्बन से अटैच है, ये देखिए 2 कार्बन है ऐसे कुछ, ठीक है, ये भी 2 कार्बन, तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन मिथॉक्सीप्रोपेन को HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो I क्या करेगा आपका? जो I है I माइनस, ए आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा और H प्लस जो है O के साथ, तो मतलब क्या बनाया जाएगा? प्रोपेनॉल और आपका आयडो मिथेन बना देगा, मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझवाया? OH यहाँ पे ऐसे टूटेगा, यहाँ पे I लग गया, यहाँ पे H लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड ये आपका है रीजनबर्ग रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन वो बोलता है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसमें जब हम लोग H2 और प्लेटिनियम BaSO4 डाल देते हैं तो ये रिड्यूस करके क्या बना देता है? ये रिड्यूस करके हमको बना देता है अल्डिहाइड में दे देता है, तो ये क्या बनेगा? अल्डिहाइड, देख लो क्या होगा। तो ये रोजनमंड रिडक्शन है, रिएक्शन है, तो क्या बनाएगा? ये रिड्यूस करके क्या बनाता है? ये बना देगा बेंजाइल डिहाइड, क्या बना देगा? बेंजाइल डिहाइड ये बना देगा। समझ आया? क्या बनाएगा? बेंजाइल डिहाइड, रोजनमंड रिडक्शन से हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते होंगे सबसे ज्यादा सी डबल बॉन्ड CL वाला का, फिर अमाइड का, फिर इसका, फिर COOH, फिर अल्कोहल का। अल्कोहल का इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाता है OH के बीच में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल को इथर, आपका अल्डिहाइड, कीटोन, जनरल अल्केन से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से, ये क्या होता है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये समझाया? क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड अल्कोहल है हाईएस्ट मोलिक पॉइंट, यही कार्बन कार्बोजेलिक आता है तो इसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन किसका होगा? ये अल्कोहल का, बुटेनॉल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आपका साइक्लोपेंटेनॉन को हाइड्रोक्सी एमिन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है कि ए ओ एच निकल जाता, वाटर निकल के यहाँ पे एन लग जाता, ठीक है, यहाँ पे एन ओ एच लग जाता, क्या बन जाता है आपका? बन जाएगा आपका ए बन जाता है, H2 ये लग के हट गया, ये H2 हट गया, ठीक है, H2 वाटर निकल जाएगा
और आपको क्या बना देगा, ये बना देगा ऑप्शन सी। इसको बोलते हैं एक्जान, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्जान, ठीक है, ये बनाता है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कि आपको नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में जब टीन या एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं तो ये आपको एनिलीन बना देता है। क्या बना देता है, एनिलीन बना देता है, NH2, ठीक है, रिड्यूस करके एनिलीन बना देता है। FeHCl दे दो या तीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं नाइट्रोबेंजीन में तो क्या बना देता है मेरा, ये बना देता है एनिलीन बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्सरी एमीन, मतलब 3° एमीन कौन है इसमें, तो आप देखिए N यहाँ पे C3H5, यहाँ पे C3H5, फिर यहाँ पे C3H5, तो आपका क्या हो गया, ये 3° एमीन है, कौन, टर्सरी एमीन, डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है, जो जिगजैग वैसा कोलाइडल पार्टिकल जो जिगजैग मोशन फ्लो करे, फेनोमेनन शो करे, उसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the impurities associated with the mineral are collectively known as, ये आपका क्लास 10 का है कि जो इम्प्योरिटी मिनरल में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। the halogen which does not show variable oxidation state, कौन variable oxidation state show नहीं करता, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, क्यों नहीं करता है, उसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है जो वो इलेक्ट्रॉन को फ्री वेरिएबल शो कर सके, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये इसमें पास फ्लोरीन के पास, बाकी सब करता है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का सी आर क्या क्या होता है, 24 होता है, तो आर्गन 18 हो गया, ठीक है, आप क्या होता है 4H2 और 3D क्या लिख सकते हैं, 24, तो ऐसे कभी नहीं रहता है, तो आउटर लिखने बोला तो क्या लिखेंगे, 4S1 और 3D5, क्यों 3D5 हो गया, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल देन दैट स्टेट, इसलिए ये 3D5 और 4S1 हो जाता है, तो इसी तरह हमको यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, 4S1 3D5, आर्गन 4S1, आर्गन का तो लिखने आता होगा, फिर 4S1 3D5, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शुगर इन RNA राइबोज होगा, द शुगर इन राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो क्या होता है, राइबोज होता है, राइबोज, ठीक है, राइबोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल पॉलीमर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन इसका जनरल, इसका फार्मूला, आइसोप्रीन का जो फार्मूला होता है आपका कुछ इस तरह होता है, ठीक, एक और एक यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 लगा रहता है, ठीक, तो इसका लिख सकते हैं 2-methyl-1,3-diol, इसका IUPAC नेम आइसोप्रीन, ठीक है, नेचुरल रबर ऑफ इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन या 2-methyl-1,3-diol, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पेन आर कॉल्ड पेन किलर या एनल्जेसिक, 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 थैंक यू।